Hi guys, welcome back to my channel Pretty Mamni. Today I'm gonna share with you another mini vlog. और हम जा रहे हैं नर्सरी. ये एमपी की सबसे बड़ी नर्सरी थी. रैंडम ही ऐसे जाने का हो गया, कोई प्लान नहीं था. ये मेरी एनिवर्सरी के एक दिन का पहले का प्लान था, या बोल सकते हैं कि पिकनिक था. हम लोग घूमने गए थे, वहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था. ख़राब इन द सेंस कि पूरा जंगल है, बना हुआ नहीं है, काली मिट्टी है, कीचड़ है, पूरा पूरा जंगल है वहाँ पर. अभी बाघ भी घूम रहा है, बाघ शेर बोल लो, शेर तो लॉयन हो जाएगा लेकिन बाघ घूम रहा है, चीता बोले तो वो भी घूम रहा है. तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं मिल ना जाए, क्योंकि मिल जाते हैं उस रोड पर है भी. और वो फॉरेस्ट प्लेस है, पूरी पूरी फॉरेस्ट प्लेस है. ये है वहाँ का गेट. सी संडे को बंद रहता है. यहाँ पर आपको सभी तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे. ये एंट्रेंस है, ये देख सकते हो. यहाँ से आपको फूलों के इस तरीके के प्लांट्स मिल रहे हैं, ट्रीज़ मिल रहे हैं. यहाँ पर आपको चीकू के, जामुन के और बहुत सारे संतरा के इस तरीके के पेड़ मिल जाएंगे. चीकू भी लगे हुए हैं, वो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी. तो देख सकते हो यहाँ पे ऑरेंज, रेड, पिंक इस तरीके के सभी तरीके के जो है वो लगे हुए हैं. ये पूरा जंगल एरिया है. यहाँ से आप जितना ज़्यादा अंदर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा जंगल एरिया है. और यहाँ पर हमेशा तो नहीं पर मोस्टली बाघ देखने को मिलता ही मिलता है, शेर देखने को मिलता ही मिलता है. और यहाँ पर उन्होंने पानी की व्यवस्था वगैरह सब उनकी कर रखी है. ये पूरा जंगल एरिया है. और यहाँ पर आपको सिर्फ आउटडोर प्लांट्स मिलेंगे, इंडोर प्लांट्स नहीं मिलेंगे. यस, मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ था कि ये एमपी की सबसे बड़ी नर्सरी है, बट यहाँ पे सभी तरह के प्लांट्स नहीं है, इंडोर प्लांट्स है ही नहीं, एक भी नहीं है. लाइक मैंने सोचा था कि मैं स्नेक प्लांट या बॉन्साई वगैरह है. थिंक मेरे को बॉन्साई तो नहीं मिलेगा यहाँ पर. मुझे पता था कि बॉन्साई तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मुझे था कि स्नेक प्लांट दो तीन तरीके के जो आते हैं वो मिल जाएँ, बट इस तरीके का मेरे को कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर. तो हम लोग फ्लावर के दो तीन प्लांट्स लाए थे और सम बिल पत्थर और इस तरीके के भी कुछ. तो यहाँ पर ये एक हाउस है जो कि बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, लकड़ी, बाज, गोबर, मिट्टी और इस तरीके का स्टोर रहने का ही व्यवस्था कर रखी है उन लोगों ने वहाँ पर. इट्स नॉट सेफ बट एक बना रखा है उन लोगों ने. सो इस तरीके से गार्डन है इस घर के बाहर, जहाँ पे आपको सारी बटरफ्लाइज भी मिल जाती है. इस तरीके की बटरफ्लाइज भी वहाँ पर शायद रखी जाती है. वो तो मेरे को दिखी नहीं और हमने देखी भी नहीं और पूछा भी नहीं, बट ये हमारे घर के बहुत पास में, मतलब बहुत पास में, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है. यस, जहाँ से इसकी एंट्री होती है वो 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है. यहाँ पे इस तरीके का तालाब है जहाँ पे आप वाटर डाइविंग भी कर सकते हो, मतलब वो पानी की जो नाव आपको दिख रही होगी येलो कलर की, वो चला सकते हो. और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे हिरण या फिर शेर दिख रहा था, बट हम लोगों को कुछ नहीं दिखा. हमने बहुत देर तक कोशिश की कि हमको भी कुछ दिख जाए. यहाँ पे इस तरीके का झूला लगा हुआ है, तो हमने बहुत झूला भी झूला था, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और हमारे संग गुरांशी और युवा. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो मैं आज आपके संग शेयर कर रही हूँ एक मिनी व्लॉग. हम लोग आए हैं नर्सरी, ये बहुत बड़ी नर्सरी है बरगोंदा में. मेरे साथ है मेरे हस्बैंड गुरांशी और युवान. सो ये है इसका नज़ारा. तो कुछ इस तरीके के है. मेरे हस्बैंड बोले कि फेस दिखा कर कर शूट करो, तो मैंने इस तरीके से छोटा सा शूट उनके सामने किया, बट प्रॉपर मैं नहीं कर पाती हूँ इतना अच्छे से व्लॉगिंग. बहुत अच्छी अच्छी जगह देखने को मिली मुझे, बहुत सारी जगह जो मुझे घुमाने लेके जाते हैं. हमने बहुत सारी जगह देख भी ली, बहुत सारी नहीं भी देख पाई. सो ये पूरा यहाँ पर जंगल है, जंगल नहीं बोलेंगे, सब बड़े बड़े प्लांट्स. आई डोंट नो ये कौन से प्लांट है. बीच बीच में यहाँ पर सभी तरीके के प्लांट्स है. आपको सब तरीके के प्लांट्स आउटडोर मिल जाएंगे, इंडोर नहीं मिलेंगे. फिर यहाँ पे हम गए थे तो यहाँ पे खजूर, नहीं खजूर भी है, जामुन भी है, चीकू भी है, चीकू भी है और मौसम्बी भी है. सभी तरीके के बड़े बड़े पेड़ हैं, आप देख सकते हो. यहाँ पे आपको चीकू दिख रहा होगा, ये सीताफल था, यस सीताफल भी है यहाँ पर. और चीकू भी है, ये शायद मैं चीकू ही दिखा रही होंगी आपको, मेरे को भी खुद ही नहीं दिख रहे थे, तो छोटे छोटे थे क्योंकि वो कच्चे थे. ये देखो
चीकू है, ये बहुत छोटे छोटे से थे इसीलिए मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो अब हम गए थे तिमछा, ये भी एक वाटरफॉल है, यहाँ पर पानी की बहुत अच्छी जगह है, ये भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत जंगल एरिया में है, बट हम पूरा नहीं घूमे थे, इसका अलग व्लॉग आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड।